व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका यार शुभम महाजन। और आज मैं लेके आया हूं एक बहुत ही अच्छी वीडियो कि घर बैठे बैठे बॉडी कैसे बनाएं। तो हम सभी को बताएं कि इंडिया में अभी कोरोना का कहर बरस रहा है, तो हर किसी को फिट रहना भी जरूरी है। लेकिन इस तरफ देखा जाए तो जिम्स भी बंद किए हुए सरकार ने कि जिम्स जाना अलाउ नहीं है, तो घर बैठे बैठे हम कैसे बॉडी बनाएं। तो आज इस वीडियो के दौरान हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग बना सकते हैं। हम सभी को बताएं कि वर्कआउट करने के लिए भी टाइम काफी जरूरी होता है, लेकिन हर किसी के पास टाइम नहीं होता। पर लॉकडाउन के दौरान हर किसी के पास टाइम है, घर में हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये चीज सिखाऊंगा कि घर बैठे कैसे बॉडी बनाना है। यानी मैं किसी बॉडी बिल्डर बनने की बात नहीं कर रहा, घर पे बैठे आप कभी बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते, लेकिन हाँ घर बैठे बैठे ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। यानी कोई पतला हो तो उसको थोड़ा गेन करवा सकते हैं, या कोई मोटा हो तो उसका पेट अंदर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के दौरान हम लोग वो चीज देखेंगे। तो यहाँ पे हम दो टॉपिक पे बात करेंगे, एक तो हमारा होता है डाइट और दूसरा होता है हमारा ट्रेनिंग, या ट्रेनिंग भी कैसे करनी। तो पहले हम बात करते हैं डाइट के रिगार्डिंग। हम सभी को पता है कि डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है वर्कआउट के साथ साथ भी। देखो डाइट ऐसी एक चीज है कि जो आप जैसा खाते हो वैसा वो आउटपुट दिखाता है, और वेट ट्रेनिंग एक हमारा ऐसी चीज है जो हमारी मसल को टोनिंग देने का वर्क करता है, जस्ट शेप देने का वर्क करता है। लेकिन जो भी डिपेंड है वो हमारे डाइट पे भी डिपेंड है। तो हम डाइट की बात करते हैं, तो डाइट में तीन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देखे जाते हैं। एक होता है प्रोटीन, कार्ब्स और ये रहा फैट। ये तीन चीजें देखी जाती है। तो पहले हम प्रोटीन की बात करते हैं। तो प्रोटीन में क्या होता है, तो प्रोटीन में हमें मिलता है फिश, मीट, वे प्रोटीन, एग्स, सोया पनीर, पनीर, सत्तू, ये सब चीजों में से हमको प्रोटीन मिलता है। सेकेंड बात करते हैं हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी का, जो हमारा सोर्स होता है कार्ब्स। तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें होल ग्रेन्स, सत्तू में से भी मिलता है, आटा, दलिया, इन सब चीज में से, यानी उसको ओट्स बोलते हैं। तो ये सब हमारे क्लीन कार्बोहाइड्रेट्स, और इस दौरान हमें क्लीन कार्बोहाइड्रेट्स ही लेने होते हैं। और थर्ड हमारा आता है वो होता है फैट। अब फैट हमें किन किन चीजों में से मिलता है, जैसे कि हम लोग एग्स भी कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर जो येलो पोर्शन होता है वो एक फैट होती है, तो वो भी लेना जरूरी होता है। साथ साथ में कोकोनट ऑयल होता है, फिर घी होता है, फिर बटर, ये सब जो चीजें होती है वो होती है फैट। और उसके साथ साथ हेल्दी फैट्स भी ये होते हैं, जो नट्स हमें पाए जाते हैं, कैशूज, आलमंड्स, वॉलनट्स, ये सब जो भी होते हैं ड्राई फ्रूट्स, इसमें से हमें मिलता है फैट। सेकंड पॉइंट आता है जो मैंने बोला था वेट ट्रेनिंग या जो भी हो ट्रेनिंग डाइट के अलावा, तो हमें ट्रेनिंग में ध्यान देते। तो ट्रेनिंग में मैंने लेवल के हिसाब से सेट किया हुआ है। तो लेवल जीरो से स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेवल जीरो में क्या होता है, सिर्फ आप डाइट फॉलो कर रहे हो लेकिन वर्कआउट नहीं कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ आप डाइट फॉलो कर रहे हो तो आपको उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। जैसे आप सिर्फ डाइट फॉलो कर रहे हो तो डाइट की वजह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जैसे कि अगर आप पतले हो तो आप मोटे हो रहे हो, यानी थोड़ा गेन कर रहे हो वेट। अगर आप फैटी हो तो आपको पेट थोड़ा सा कम हो रहा है पर एक्स्ट्रीम रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये होता है हमारा लेवल जीरो। जैसे मैंने बताया लेवल जीरो में नो एक्टिविटीज, जस्ट डाइट फॉलो करना है। तो उसमें क्या होता है, आप ज्यादा सेक्सी नहीं दिखोगे। अब बात करें सेक्सी कैसे बनना है, तो हमारा लेवल वन आता है जिसमें हम डाइट फॉलो करें साथ साथ में थोड़ी बेसिक एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि हमें कहीं जाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, व्हीकल यूज करते हैं, तो उसकी जगह पे हम चलना स्टार्ट करते हैं। सेकंड, आप जैसे लिफ्ट यूज करते हो उसकी जगह पे आप स्टेयर्स चलना स्टार्ट कर दो, तो इससे क्या होगा आपकी बेसिक एक्टिविटी अच्छी रहेगी और आपका एक्टिविटी लेवल अच्छा बढ़ेगा, और साथ साथ में आप में थोड़ी वो सेक्सीनेस और ज्यादा बढ़ेगी। चलो बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे, यानी सेकंड लेवल। अब इसमें क्या होता है, सेकंड लेवल में हम इंक्लूड कर रहे हैं स्पोर्ट एक्टिविटी। स्पोर्ट एक्टिविटी तो हम सभी को पता है कि क्या होता है। स्पोर्ट एक्टिविटी यानी बहुत ही रिग्रेस ट्रेनिंग जिसमें बहुत ही ज्यादा कार्डियो फॉर्म होता है, जैसे भागना दौड़ना। इस दौरान क्या होता है, मस्कुलर सिस्टम ज्यादा एक्टिव होती है, साथ साथ में नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग होती है, और हमारे जॉइंट्स सबसे ज्यादा यूज होते हैं। आपने देखा होगा फुटबॉलर्स ज्यादातौर पर क्या करते हैं, भागते रहते हैं, एक ही बॉल के पीछे ज्यादा भागते रहते हैं। आपने देखा कि पुराने जमाने के जो फुटबॉलर्स थे वो ज्यादा फिट थे कंपेयर टू क्रिकेटर्स। क्रिकेट की ट्रेनिंग ऐसी होती है जिसमें ज्यादा रिग्रेस नहीं होता, जैसे कि फील्डिंग करनी होती तो एक ही जगह पे खड़े रहना होता, ज्यादा भागने की जरूरत नहीं पड़ती। बैटिंग करते तो भी बराबर, कंपेयर टू अगर फुटबॉल की कंपेरिजन में देखा जाए तो क्रिकेट इतना ज्यादा रिग्रेस नहीं है। ज्यादा पहले के जमाने के हम लोगों ने क्रिकेटर्स देखे हुए वो ज्यादा फैटी भी थे, इसे आप ये फोटो में देख सकते। तो चलो बात करते हैं लेवल थ्री की। तो लेवल थ्री में इंक्लूडिंग होता है बॉडी वेट ट्रेनिंग प्लस कार्डियो। तो हम सभी को पता है कार्डियो तो हम सभी को पता है कि क्या होता है, लेकिन बॉडी वेट ट्रेनिंग की बात करते हैं। इसमें इंक्लूड होता है योगा, हमारा रेगुलर डेली रूटीन के तौर पे हमें पता ही है कि हमारी बॉडी एक मशीन की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं।
यार ये फ्लोर ट्रेनिंग्स की जाती है जिसमें जंपिंग जैक्स एंड ऑल जो भी ट्रेनिंग्स होती है जिम में करवाते हैं बॉडी वेट के साथ, तो वो ट्रेनिंग होती है प्लस कार्डियो होता है। हम सभी को ये पता है कि हमारे जो क्रिकेटर्स है यानी जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, इन लोग देखा हुआ सिक्स पैक एब्स के साथ, तो हमारे आज के क्रिकेटर्स बॉडी वेट ट्रेनिंग के साथ यानी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी कर लेते हैं और कार्डियो भी करते हैं, जो फील्ड के दौरान उन लोगों को ट्रेनिंग सेशन दिए जाते हैं उसकी वजह से उनकी फैट परसेंटेज मेंटेन रहती है और बॉडी अच्छे से सिक्स पैक एब्स के साथ खुला हुआ दिखता है। बात करते हैं लेवल फोर की, जो हमारा लास्ट लेवल है जिसमें होता है बॉडी वेट ट्रेनिंग तो है ही, उसमें डंबल भी यूज करना है। देखो देखा जाए तो हम सभी को पता है कि हम हमारी बॉडी के साथ वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन कोई लोग हैंड स्टैंड करके उसके साथ पुलअप्स लगा दे, पुशअप्स लगा दे, लेकिन वहां से हमारे शोल्डर भी ट्रेन होते हैं, पर हमारे शोल्डर को और ज्यादा इनहेंस ट्रेन करना हो तो हमें चाहिए डंबल। देखो थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा लेकिन ये खर्चा होगा वन टाइम। डंबल के साथ हम लोग शोल्डर प्रेस कर सकते हैं, चेस्ट प्रेस कर सकते हैं, बहुत टाइप से अलग अलग वर्कआउट होते हैं वो हम कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग फॉलोअर एक्टिविटी भी करते हैं पुशअप्स, तो वैसे ही हम लोग डंबल्स के साथ चेस्ट प्रेस वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में कि होम वर्कआउट कैसे करने तो मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपकी कमेंट भी काफी जरूरी है। तो ये भी हमारे घर बैठे कैसे बॉडी बनाना है तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी उसके लिए भी कमेंट करना, तो मैं आगे जाके मैं और वीडियोस बनाऊं। अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ गलत है इस वीडियो में तो भी आप कमेंट कर सकते हो, जिसकी वजह से मैं आगे जाकर इसमें इम्प्रूवमेंट और लाऊंगा। तो ये थी मेरी छोटी छोटी सी वीडियो, तो थैंक यू सो मच, ओवर एंड आउट।